हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रहा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम PSPCL की ऑनलाइन फीस जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फिल की थी वो कैसे पे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप PSPCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए, PSPCL रिक्वायरमेंट लिख दीजिए यहाँ पर, देन आफ्टर क्लिक कर दीजिए। देन आफ्टर क्लिकिंग यहाँ पर देखिए सेकेंड लिंक आ रहा है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए उनकी वेबसाइट ओपन हो गई है। देन नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देखिए फर्स्ट लिंक आ रहा है फॉर अप्लाइंग का, इस पर क्लिक कर दीजिए। देन आफ्टर क्लिकिंग यहाँ पर देखिए इनका जो साइन अप पेज है वो ओपन हो गया है। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे यहाँ पर देखिए एग्री के लिए टर्म्स एंड कंडीशन के लिए यहाँ शो कर रहा है, इसको चेकबॉक्स को टिक कर दीजिए। देन यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी साइन अप कैंडिडेट्स, क्लिक हेयर टू लॉग इन। ये आपका तभी लॉगिन होगा अगर आपने पहले साइन अप कर दिया, अदरवाइज अगर आपने साइन अप नहीं किया तो स्टार्ट साइन अप पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल मैंने पहले से साइन अप कर दिया है और आपकी जो फीस है वो जब आप साइन अप कर लेंगे 24 आवर्स के बाद ये जो लिंक है आपका फीस वाला वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ऑनलाइन ऑलरेडी साइन अप पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपकी आईडी है वो आप फिल करेंगे, PSPCL देन आफ्टर 035 जो भी आपका नंबर है। यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए। उसके बाद पासवर्ड है, ये आपका पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने फिल किया था और आपकी ईमेल आईडी पर सेंड किया था जब भी आपने फॉर्म फिल किया था PSPCL वालों ने, तो वहाँ से भी आप उसका देख सकते हैं। और पासवर्ड यहाँ पर फिल कर दीजिए, देन आफ्टर यहाँ से लॉग इन कर दीजिए। जब आप लॉग इन कर देंगे यहाँ पर देखिए ये लॉग इन हो गया है, यहाँ से एप्लीकेशन आ रहा है और यहाँ साइट पर देखिए आपका आएगा मेक पेमेंट। इसको मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ, फिलहाल कह रहा है कि आपकी पेमेंट पेंडिंग है, इसको क्लोज कर दीजिए, मेक पेमेंट पर चले जाइए। जब आप मेक पेमेंट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए छोटा सा लिंक आ रहा है क्लिक हेयर का, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहाँ से एग्री करके यहाँ चेकबॉक्स पर टिक क्लिक करके यहाँ से आप प्रोसीड कर देंगे। देन यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, तो फिलहाल जो मेरी एडवर्टाइजमेंट थी वो थी रिक्वायरमेंट CRA 293, तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर फिल कर देंगे, जो हमने स्टार्टिंग में लॉगिन आईडी जो यूज़ की थी, यूज़र आईडी, वही आपका यहाँ पर सीक्वेंस एप्लीकेशन नंबर होगा। तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वही यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप इसको रिकवर भी कर सकते हैं, उसका फिलहाल मेथड नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ से सबमिट कर दीजिए। जब आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो कैंडिडेट का नाम आएगा, जैसे कि दिस वन, उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, यहाँ से जुलाई है उसका, यहाँ से कर लेंगे। यहाँ से आप देखेंगे कौन सा उनका ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से जो डेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे दिस वन, और यहाँ से मोबाइल नंबर है वो वहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी जो आपने फिल की थी वो फिल करिए, देन यहाँ पर कैप्चा कोड है ये आप यहाँ पर फिल करेंगे, कैपिटल में तो कैपिटल में है, स्मॉल में तो स्मॉल में करेंगे, एक सेंसिटिव होता है इसका ध्यान रखिएगा। आफ्टर डेट सबमिट कर दीजिए। जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर बता रहा है कि जो बीसी की फ़ीस है वो 1000 है, तो मैं यहाँ से कंफर्म करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास नेट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है लेकिन कार्ड्स की फैसिलिटी है, और जो मेरा कार्ड है वो अदर बैंक्स का है, और यहाँ पर देखिए बैंक चार्जेस भी लिखा है, जैसे इसका कोई चार्जेस नहीं है, क्रेडिट कार्ड कितने चार्जेस हैं, इंटरनेट बैंकिंग कितने हैं, स्टेट बैंक कितने हैं। तो फिलहाल मुझे अदर बैंक के थ्रू इसको पे करना है, इसको क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक कर देंगे नेक्स्ट इनका पेमेंट इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप जो भी कार्ड नंबर है आपका वो यहाँ पर फिल करेंगे। ये आपका कार्ड नंबर आपके फ्रंट पे होता है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जो भी आपकी कार्ड की डिटेल मांग रहा है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी, एक्सपायरी डेट उस पर दी होगी वो आप देख के यहाँ से फिल कर लेंगे। उसके बाद आपका कार्ड होल्डर, जैसे मैं कार्ड होल्डर का नाम दे रहा हूँ,
जो भी कार्ड होल्डर है उसको आप देख सकते हैं, वैसे लिखा आता है ये कार्ड के फ्रंट पे, और सीवीवी नंबर कार्ड के वेबसाइट पे होता है 3 नंबर्स का, तो मैंने वो यहाँ फिल कर दिया। देन यहाँ कैप्चा फिल करेंगे, देन आफ्टर दैट PKU, इसको थोड़ा ध्यान से फिल करिएगा। कोई बात नहीं, गलत भी कर दो अगर आपको समय नहीं लग रहा, तो यहाँ से आप रिफ्रेश करके नया कोड या कैप्चा देख सकते हैं। तो यहाँ पर पे पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ थोड़ा कीवर्ड प्रोसेसिंग लेता है, और याद रखिए से पासवर्ड कभी मत करिए, उसको नेवर कर दीजिए। देन जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP अभी जाएगा, तो फिलहाल अभी OTP मुझे आया नहीं है। जो भी OTP आएगा वो आप यहाँ फिल कर देंगे, कई बार OTP में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो फिलहाल यहाँ मुझे OTP आ गया है, तो OTP यहाँ फिल करते हैं। देन आफ्टर डैट इसको सबमिट कर देंगे, अदरवाइज आपको OTP ना आए आप यहाँ से रीसेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे आ गया, मैंने फिल कर दिया, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। इसको कभी भी सेव पासवर्ड मत करिए जो आपका बैंक की डिटेल्स है, फिलहाल इसको मैं नेवर कर रहा हूँ। और ये जो पेज है जो यहाँ रिफ़्रेश हो रहा है, इसको कभी भी क्लोज मत करिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने फ़ीस पे की, यहाँ पर उनका रिसिप्ट आ गया है, यहाँ से आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। रिसिप्ट को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। आप डाउनलोड तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली डाउनलोड हुई, तो आप क्या करेंगे यहाँ से जब आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद आप यहाँ से डेजिग्नेशन यहाँ पर क्लिक करके, सॉरी डेस्टिनेशन यहाँ पर क्लिक करके आप कर लेंगे सेव एज PDF, इसको क्लिक करके सेव पर क्लिक कर दीजिए, और इसको जो भी नाम देना है इसको नाम देकर आप किसी भी लोकेशन पर सेव कर लीजिए। मैं फिलहाल इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, और यहाँ से सेव कर लीजिए। तो ये हमारा रिसिप्ट डाउनलोड हो गया है, और हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो ऐसे आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट आपने फिल की थी PSPCL की, उसकी फ़ीस पे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स से करके देखिए, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।